घर वालों के अलावा किसी से प्यार करना भी कितनी सुंदर फीलिंग है। मुझे नहीं लगता। दो अनजान लोग मिलते हैं फिर हिलते हैं, मतलब एक पल में गपशप अगले पल में घपा घप। रिलेशनशिप बकवास है मैच। ऐसा तुझे लगता है? सब सही होता है, बस पता है लेने के देने कहाँ पड़ते हैं? रेड लाइट एरिया में। ए तो चुप कर यार, तू अभी रिलेशनशिप में आया है, तेरा क्यों प्यार से विश्वास उठता जा रहा है? पता नहीं यार, दिन में वो बिजी होती है, रात में फिर उसको नींद आने लगती है। रात में सबको नींद आती है और पूरा दिन काम करके थक जाती होगी। मैं फ्री हूँ तो पूरा दिन बैठ, मेरे को काम नहीं होते। नहीं होते काम, लेकिन इतना भी वेला नहीं हूँ। रोज सुबह सब्जी लेता हूँ, जैसे आज लौकी ले ली। कहाँ खरीद ली? बैंच, फिर उसके बाद अखबार लेके आता हूँ, और आजकल पेंटिंग क्लासेस भी ज्वाइन किए। कब हुआ ये? उफ लड़की की वजह से, उसके लिए इतने सारे कपड़े ले आया। कपड़े? हमें तूने आज तक चाट पापड़ी तक नहीं पूछी, उसके लिए कपड़े? लड़की का हक्कर बाबू भैया, लड़की का हक्कर। स्पॉइल से ऑर्डर करे, उनकी गोट सेल चल रही है। ये बकरी लाया कपड़े? गोट मतलब ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, जैसे क्रिकेट में सचिन, लारा, अकरम, फुटबॉल में रोनाल्डो और मेसी, अरफत बार्फी, जॉन इब्राहिम। तो वही सेल चल रही है, 50-90% तक डिस्काउंट है। आई लाइक इट। लेकिन ये पेंटिंग क्लासेस क्यों? मजनू भाई बनेंगे क्योंकि पेंटिंग क्लासेस में भी आती है वो। तू उसको स्टॉक कर रहा है? नहीं यार, गलत बात है। इसीलिए तो डिटेक्टिव हायर किया बेंच। डिटेक्टिव हायर करेगा? मेरे 400 रुपए दे पहले। तूने मंगलू का नाम नहीं सुना? कौन मंगलू? नहीं नहीं नहीं, कुत्ते का पासपोर्ट साइज फोटो ही चाहिए, फैमिली फोटो में पहचानना जरा मुश्किल हो जाएगा। आप उसकी टट्टी का सैंपल मेरे ऑफिस भिजवा दीजिए, किसी ने सुना तो नहीं। मंगलू मेरा टॉपअप करवा देंगे 100 रुपए का। पकड़ गया। आप कह रही हैं कि आपका कुत्ता पड़ोस वाली कुतिया का पिछवाड़ा सूंघता था, तो ये तो स्निफ एंड रन का केस हो गया। आप बेफिक्र रहिए, आपका कुत्ता 3 दिन में आपका मुंह चाट रहा होगा, तब तक हस्बैंड को मौका दीजिए। आपकी तारीफ सब करते हैं। नाम? माय नेम इज मंगलू, डिटेक्टिव मंगलू। क्या आपका पार्टनर कर रहा है आप पे चीट? इज योर हस्बैंड फाउंडिंग अ पराया टीट? सब ढूंढ सकता हूँ, बस मौके की तलाश है, किसी ने सुना तो नहीं। बैकग्राउंड क्या है? पर्पल दीवार विद सम ऑरेंज। पीछे दीवार का बैकग्राउंड नहीं, घर का बैकग्राउंड क्या है? कितने लोग हैं? एक जासूस कभी अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करता। मेरी माँ कहती है कि अपनी पर्सनल लाइफ को प्राइवेट रखो। पिताजी कहते हैं कि कोई कितना भी पूछे कभी घर के बारे में मत बताओ। और मेरी छोटी बहन बोल बोल के था गी की विदाई से पहले, किसी को कुछ मत बताना, किसी ने सुना तो नहीं। मतलब इसको मिला के घर में टोटल 4 लोग हैं। हाउ द फक डू यू नो? तुमने बताया? नहीं नहीं बेंचू, आपसे बात हुई थी ना मेरी गर्लफ्रेंड के बारे में। एक सेकंड, हाउ कैन वी ट्रस्ट हिम? आपने कोई बड़ा केस सॉल्व किया आज तक? जेम्स बॉन्ड को जासूसी किसने सिखाई? किसने? आपने? मुझे पता है किसने सिखाया। अरे मैं पूछ रहा हूँ, आपने सबसे बड़ा काम कौन सा किया है? अक्षय कुमार के घर 2 साल पहले चोरी हुई थी, मैंने 2 मिनट में पता लगा लिया था कि चोर कौन है। कैसे? अक्षय जब अपने 2 दोस्तों के साथ घर में आया तो जमीन पर काफी गुंडे जख्मी लेटे थे, तब उनको समझ में आया कि बगल वाले कमरे से कोई उनका सामान चुरा कर ले गया है। ये तो फिर हेरा फेरी की स्क्रिप्ट है। तो ये स्क्रिप्ट किसने लिखी? किसने? आपने? मुझे पता है किसने। अरे ये तो कोई भी बता दे, गूगल पे मिल जाएगा, तू किसको पकड़ के ले आया है? मंगलू, डिटेक्टिव मंगलू। बॉन्ड के स्टाइल में बात करने से कोई बॉन्ड नहीं बन जाता। ऑफ, फक ऑफ। मंगलू जी, वो मेरी गर्लफ्रेंड पे नजर रखनी थी। मैच तुम्हारी गर्लफ्रेंड स्टारबक्स में बैठी है काउंटर की तरफ पीट करके, उसने 3:40 पर जावा चिप ऑर्डर किया था। 20 रुपए दोगी तो एक रास की बात बताऊंगा। क्या? कॉफी में चीनी कम है। तो कुछ नहीं, उसने इसका गुस्सा अपने साथ बैठे दोस्त मयंक में निकाल दिया। मयंक? मयंक कौन है? ये बात पहले क्यों नहीं बताई? किसी ने पूछा ही नहीं। तो तुमको किस लिए रखा है? मैं कोई व्रत नहीं हूँ जो मुझे रखो। मयंक ने 2 चम्मच चीनी डाल दी। एक सेकंड, इसको कैसे पता चल रहा है? ये तो यहाँ बैठा है। मेरे प्यादे चारों दिशाओं में ऐसे फैले हैं जैसे पूरी दुनिया में पंजाबी, किसी ने सुना तो नहीं। वो मयंक के साथ है बेंचू? है तो वो कनिका और पूजा के साथ भी, लेकिन मेल इनसिक्योरिटी बड़ी मादरचो चीज है। भाई सुन, वो अपने दोस्तों के साथ है, तुझे इनसिक्योर होने की कोई जरूरत नहीं है। तू जो कर रहा है ना, ये बहुत गलत है। समीर समझा यार। देर से ही सही पर मोहब्बत खुफियां बांट देती है, लेकिन कभी कभी काट देती है। और कंफ्यूजन में डाल दे। डाल तो मयंक ने दिया है अपनी पैंट में हाथ, कुछ नोकीला है उसकी पैंट में। आमतौर पर उसको खड़ा नुन्नू कहते हैं। चाकू है चाकू, और ये अब केक काट रहे हैं। केक काट रहे हैं? 20 रुपए दोगे तो एक रास की बात बताऊंगा। मयंक का बर्थडे है आज। इसमें क्या राज हुआ? केक की बात सुनके तो मुझे भी पता चल गया था किसी का बर्थडे। तू कहां 20 रुपए दिए जा रहा है उसको? चंपक पड़ के जासूस बनाए वो। मयंक ने हमारे सब्जेक्ट के मुंह पर केक लगा दिया है। देख, नॉर्मल बर्थडे पार्टी चल रही है। पैचो, उसका बर्थडे तो मेरी बंदी के मुंह पे केक क्यों लगाया? कुछ लोगों को फेशियल पसंद होता है। अब क्या हो रहा है? गुनगुना रहे हैं बर्थडे। मतलब हैप्पी बर्थडे गा रहे हैं। देख, मैं तुझे बोल रहा था वो लड़की बहुत सही है, तू फालतू में शक कर रहा है। वो दोनों अब ऑटो में बैठ चुके हैं। अच्छा बंदा है, ऑटो में घर तक छोड़ने जा रहा है। और हर ऑटो में MMF नहीं बनते।
अब दोनों ऑटो से उतर के लड़की के घर के नीचे खड़े हैं। तुम्हारा बंदा ऑटो के पीछे पीछे भाग रहा है क्या? मेरा बंदा ही ऑटो चला रहा है, किसी ने सुना तो नहीं। अब दोनों ने एक दूसरे को हक किया है। गुड बाय हक, वेरी नॉर्मल। मयंक हमारे सब्जेक्ट को किस करने के लिए आगे बढ़ रहा है। मिटा दो उसको, मिटा दो। रबड़ हूँ क्या भोसड़ी के? अब दोनों के होठों के बीच में 12 सेंटीमीटर का गैप, 6 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। 20 रुपए दोगे तो एक राज की बात बताऊंगा। जल्दी दे। सब्जेक्ट ने बोला डोंट इवन ट्राई, आई एम इन अ रिलेशनशिप विद चेतन। चेतन? हेतन। अच्छा, चेतन। उसको मत समझाओ चाचा, उसका चरखा चालू कंपनी का है। अब चेतन कौन है? सब्जेक्ट सुनैना चेतन से प्यार करती है। सुनैना यही है ना? सब्जेक्ट ये तो आउट ऑफ सिलेबस है बेंचो, ये कोई और है। मेरी वाली का नाम तो अनामिका है। ओह माय ब्योमकेश बक्षी, आई थिंक वी स्पाइड ऑन द रॉन्ग सब्जेक्ट। जिस सब्जेक्ट की फोटो तुम्हारे पास है उसको गोली नहीं मारनी। ₹20 दोगे तो एक राज की बात बताऊंगा। उसने फोन काट दिया है, मिशन स्टिल ऑन। आप मुझे 3 दिन दीजिए, आई बी बैक। निकल, पहली फुर्सत में निकल। किसी ने सुना तो नहीं? फोन नहीं उठानी। क्या था ये? वही लोग हैं जो स्कूल में रवीना टंडन और ट्विंकल खन्ना में फर्क नहीं जानते थे।